उज्जैन शहर में ई रिक्शा संचालकों को उज्जैन पुलिस द्वारा प्रतिदिन कागजों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। सैकड़ों परेशान ई रिक्शा संचालकों ने उज्जैन आरटीओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। ई रिक्शा संचालकों ने मांग की है कि थाने में खड़े ई रिक्शा को छोड़ा जाए। उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ई रिक्शा की संख्या भी बढ़ने लगी। शहर में बढ़ती ई रिक्शा से यातायात व्यवस्था भी ध्वस्त होती नजर आ रही है। इसी को लेकर उज्जैन पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए प्रत्येक थाना क्षेत्रों में सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा जब्ती में ली है। ई रिक्शा के जब्त होने के बाद बुधवार को जिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया के नेतृत्व में उज्जैन के आरटीओ मालवीय का घेराव करने के लिए सभी संचालक आरटीओ कार्यालय पहुंचे। सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा संचालकों ने आरटीओ कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शन किया। ई रिक्शा संचालक की मां हेमा जायसवाल ने बताया कि पति की मौत होने के बाद सोने चांदी की रकम को बेचकर बेटे को ई रिक्शा दिलवाई थी। गाड़ी के सभी कागजात हैं, लेकिन अभी तक आरटीओ से रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। मंगलवार से थाने में गाड़ी को खड़ा करवाया गया है। गाड़ी की किस्त भी कैसे भराएगी? मैं बेचती हूँ, मेरा बच्चा है भारत जायसवाल, उसको मैंने गाड़ी दिलाई, मेरा रकम कम से बेच पूछा के मेरे पति शांत हो गए, वो गाड़ी दिलाई है। मेरे पास सब कागज है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कागज नहीं है। उसके पीछे मेरी सारी गाड़ियाँ, मेरी गाड़ी कल से रख रखी उन्होंने कल से। अब मैं क्या करूँ सर, मेरा सब में मेरा बच्चे एक ही दो कमाने वाले, अब हम घर बैठ जाएंगे तो हमको कौन खिलाएगा? हमारी गाड़ी यहीं पे, हमारे अभी तक तो किस्तें भी नहीं डाली हुई है। हमारा कर्जा दे देकर तो हमने कर्जा करा, थोड़ा बहुत रकम गिरवी रख के भेज पूछा के इसके बाद मैंने गाड़ी ठोकी है। अब साहब मैं क्या करूँ, हमारी गाड़ी यहाँ पड़ी रहेगी तो मेरा बच्चा कहाँ आएगा, कहाँ चलिए? सबके बेचारे सब भाई बहनों की सबकी गाड़ियाँ मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम क्या कर सकती हूँ? नहीं तो अगर इजाजत नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी नहीं देंगे, तो भी मैं अपनी आत्महत्या करूँगी। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं गरीब हो रहा हूँ, मेरा कोई खिलाने वाला कोई है नहीं, मेरा एक बच्चा है, वो सबकी गाड़ी छोटे छोटे जिसके कागज है उसकी भी गाड़ियाँ रख रहे हैं, जिसका कागज नहीं है उनकी भी गाड़ी रख रहे हैं, बताओ। और सबके पास कागज है, उनकी भी गाड़ियाँ पड़ी थाने पर। शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बताया कि सभी लोगों ने बैंकों से लोन लेकर वाहन खरीदे हैं। शहर अध्यक्ष ने आरटीओ के साथ गार्ड एजेंसी संचालकों से होना बताया है। वहीं वाहन बेचने वाले एजेंसियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कल से हम देख रहे हैं थाने थाने गए, पूरे शहर के थानों में ई रिक्शा खड़े हुए, ई रिक्शा वालों के सारे वाहन जो है उनको जब्त कर लिए गए हैं, उनका चालान बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो ई रिक्शा कंपनियां हैं जहां से इन्होंने गाड़ी खरीदी, इनके सेल लेटर थे, वहीं से इनको रजिस्ट्रेशन करके देना चाहिए था। और उसके बाद जहां से गाड़ी खरीदने के बाद जब आरटीओ से रजिस्ट्रेशन मांगने आते हैं तो कहते हैं कि एजेंसी चले जाओ। आज के अभी जो नया नियम बना है आरटीओ का, उसमें जब हम गाड़ी उठाते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपनी से, जो कंपनी गाड़ी देती है वहीं से रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उनसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिया। इन गरीबों की क्या गलती? ये तो सब लोगों ने बैंकों से लोन लेके कर्जा लेके अपनी ई रिक्शा खरीदी है, पूरा दिन सुबह से शाम तक 500-700-800 रुपये कमाते हैं ई रिक्शा के माध्यम से और अपने रोज अपने घर चलाते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती आरटीओ की है, आरटीओ की साठ गांठ होगी निश्चित रूप से एजेंसी से, उनका कुछ ऐसा होगा कि वो मिले हुए होंगे आपस में, ये वो उधर इधर भेज देते हैं, वो उधर पहुँचा देते हैं। हमारा प्रशासन से कहना है कि आज अभी हाल वो जितने भी वो एजेंसियाँ हैं, या तो उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए कि आपने इनके रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किए, या फिर आरटीओ से पूछा जाए कि आपने इनके रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिए। और इतने दिन तक चल रहे थे ये 2-4 महीने से, अब क्या हो गया एकदम? इसलिए हम लोग आज यहाँ पर आए, हम सभी गरीबों के साथ में बेचारे जितने भी ऑटो रिक्शा वाले और ये ई रिक्शा वाले, हम पूरी कांग्रेस पार्टी, शहर कांग्रेस कमेटी इनके साथ खड़ी है और इनको न्याय करा के जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ई रिक्शा संचालकों की समस्या का निराकरण निकाला जाएगा। उज्जैन से मृदुभाषी प्रदेश के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।